बंगलुरु में महिला के हत्या कर उसके शरीर के टुकड़े कर फ्रिज में रखने वाले आरोपी ने, आपको बता दें कि बुधवार को ओडिशा में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। पुलिस ने कहा कि आरोपी की पहचान मुक्ति रंजन प्रताप रे, जो कि 31 साल का था, के तौर पे कर ली गई है और ओडिशा के भद्रक जिले के धूसुरी थाना क्षेत्र में उसे मृत पाया गया। बेंगलुरु पुलिस उपायुक्त शेखर एच टेक्नावर ने कहा कि आरोपी व्यक्ति बुधवार सुबह एक पेड़ से लटका हुआ पाया गया है और ओडिशा पुलिस के मुताबिक मौके से मिले एक सुसाइड नोट में उसने अपना गुनाह, अपना अपराध भी कबूल कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी और महिला एक ही कपड़े के दुकान में काम किया करते थे। यहाँ पर उनकी दोस्ती हुई और दोनों के बीच रिश्ते कायम हुए। 29 साल की महालक्ष्मी लगातार मुक्ति पर शादी करने का दबाव बना रही थी और इसी वजह से उनके बीच लगातार बहस भी होती रहती थी। पुलिस का कहना है कि शादी की बात से नाराज होकर आरोपी ने बेंगलुरु के मल्लेश्वरम इलाके में एक फ्लैट में महालक्ष्मी की पहले हत्या की और बाद में शव को ठिकाने लगाने के लिए उसके 30 टुकड़े कर रेफ्रिजरेटर में ही रख दिया। पुलिस ने इसकी पुष्टि की है और कहा है कि मुक्ति रंजन रॉय का शव ओडिशा के भद्रक जिले में धूसुरी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत ही गांव में मिला है और स्थानीय पुलिस ने बेंगलुरु पुलिस कर्मियों को तभी सूचित किया था जो कि इलाके में इस संदिग्ध की तलाश कर रहे थे। लगातार उसका लोकेशन ओडिशा के पास मिल रहा था। शुरुआती जानकारी के मुताबिक रॉय मंगलवार को अपने गाँव पहुँचा था, लेकिन इसके बाद वो घर से निकल गया और उसका शव गाँव के बाहरी इलाके में मिला। परिवार ने उसके शव की पहचान भी कर ली है, जिसे पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। महालक्ष्मी की माँ और बहन जब फ्लैट पर पहुंची तो हत्या के बारे में उन्हें जानकारी मिली थी। महिला अपने पति से अलग रह रही थी और उसका पति शहर से दूर एक आश्रम में काम करता था। इस हफ्ते की शुरुआत में महालक्ष्मी से खराब हुए संबंध के बाद उससे अलग रह रहे उसके पति हेमंत दास ने कथित तौर पर अशरफ नाम के एक व्यक्ति पर हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया था और दावा किया था कि उत्तराखंड का रहने वाला अशरफ महालक्ष्मी के साथ विवाहेतर संबंध में था। इससे पहले आपको याद होगा कि दिल्ली में 18 मई 2022 को श्रद्धा वॉकर की उसके लिव इन पार्टनर आफ्ताब पूनावाला ने हत्या कर दी थी। पूनावाला ने कथित तौर पर वॉकर का गला घोंटकर पहले उसे मारा और फिर शरीर के टुकड़े कर दिए, जिन्हें उसने शहर भर में फेंकने से पहले अपने आवास पर लगभग 3 हफ्ते तक एक 300 लीटर के फ्रिज में रखा था। तो ठीक वैसा ही केस ये बंगलुरु में हुआ है, लेकिन आरोपी ने आत्महत्या कर ली है और एक सुसाइड नोट भी मिल गया है जिसमें उसने अपने गुनाह को कबूल किया है, अपराध को कबूल किया है। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।